आखिर क्यों हारे स्ट्रोफ की वजह से विराट कोहली को निशाने पर ले रहे इंडियन फैंस? विराट कोहली पाकिस्तानी प्लेयरों से इस तरीके से मिल रहे हैं जैसे कोई मेले में बिछड़ा हुआ भाई हो। बाबर के साथ, शादाब खान के साथ जिस तरीके से ठाके लगा रहे हैं, हम लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं भाई। पाकिस्तानी आवाम बड़ी खुश हो रहे हैं, सब कोई खुश हो रहा है। बस दिक्कत एक लोगों पे है, गोबर भक्तों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी प्लेयरों से जो है ना इस तरीके से मत मिलो, इनका बस चले तो ये बोल दे कि भाई पाकिस्तान को तो खेलना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तानियों से हाथ भी ना मिलाओ। लेकिन हारिस श्रॉफ की वजह से विराट को लोगों ने शाइन लिया कि देखो जिसे तुम गले मिल रहे थे वो ईशान के साथ। और ऐसे लोग जो है ना समाज के लिए, दुनिया के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, और इन गोबर भक्तों को जितना समझाया जाए उतना भी कम होगा, क्योंकि इनके भीतर कोई समझ में नहीं आने वाला है, कोई भी बातें नहीं समझ में आएगा। सामान्य क्रम, हमारे पड़ोस में ऐसे लोग बसते हैं, हर कोई नहीं, बीच में एक मेजॉरिटी तबका जिसे अंधे भक्त कहा जाता है या अंध भक्त कहा जाता है, जो के पक्के नरेंद्र मोदी के चमचे हैं। उनकी बातों से, उनके बिहेवियर से लगता है तालीम उनको छू कर नहीं गुजरी, हालांकि उनमें बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन जब अपनी औकात पर आते हैं तो मुंह से वही गाय का गोबर निकलता है जिसे वो बड़े शौक से खाते भी हैं, और उनकी बातों से ऐसा जाहिर भी होता है। अब जरा ये पोस्ट मुलाहिजा कीजिए, क्योंकि इस वक्त विराट कोहली को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है भारत के अंदर, उनके सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चल रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि वो क्यों पाकिस्तानी टीम को मिलते हैं, हारिस रऊफ को क्यों गले लगाया, क्योंकि हारिस रऊफ ने ये काम किया, जरा मुलाहिजा कीजिए। ये जरा ट्वीट देखिए, आयुष नाम का वही गाय का मूत पीने वाला एक भारतीय लिखता है, वी इंडियंस शुड हैव नोन दिस हारिस बुचर रऊफ रियलिटी व्हेन ही ओपनली पोस्टेड वीडियो ऑफ बुचरिंग अवर होली काउ ऑन बकरा ईद। अब ये हारिस रऊफ की बड़ी ईद पर होने वाली कुर्बानी की तस्वीर शो कर रहे हैं। साथ ही साथ वो लिखते हैं, नाउ आफ्टर वाचिंग हारिस अब्यूजिंग ईशान, वी ऑल आर शोइंग आउटरेज, बट दिस आउटरेज शुड हैव कम व्हेन विराट मेट दिस कसाई एंड ही पोस्टेड दैट ट्वीट। अब आप अंदाजा लगाइए कि विराट कोहली को किस तरह ट्रोल किया जा रहा है। अभी रुकिए, मैं आपको मजीद कुछ चीजें बताता हूँ, फिर आगे चलकर आपको इनकी औकात भारतीय सहाफी की जुबानी बताऊंगा जो की असल क्रिकेटिंग फैन है। अब एक और पिक्चर, जब मैच खत्म हुआ तो विराट कोहली पाकिस्तानी डगआउट में 8 पाकिस्तानी प्लेयर के साथ अकेले खड़े नजर आए, हंसी मजाक होता रहा, गपशप होती रही, उस पर ये मौसूफ क्या लिखते हैं, आउटकम्स ऑफ टुडेज मैच, वोक कोहली कैन नेवर बी नेशनलिस्ट, मुंबई एंड रोहित लॉबी इज कैरिंग इंडिया, बुमराह कैन बैट बेटर देन विराट अगेंस्ट पाकिस्तान, ईशांत किशन इज बाप ऑफ धोनी एंड संजू सैमसन, कोहली प्रायोरिटीज पाकिस्तानी प्लेयर्स लाइक रऊफ ओवर इनोसेंट ईशान। ये बातें लिखी जा रही हैं भारत के सोशल मीडिया पर। अब इस जले हुए गंदे अंडे ने एक और ट्वीट की जिसमें हारिस रऊफ आउट करके ईशान किशन को बाहर जाने का इशारा करते हैं, और इस एग्रेशन को दुनिया भर में असल क्रिकेटिंग फैंस पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पपियां जफियां तो होती रहती हैं, फास्ट बॉलर का एग्रेशन ही उसकी पहचान होता है। इस पर उसने हिंदी में एक पोस्ट की हुई है, वो जरा आपको ट्रांसलेट करके मैं बताता हूँ, ये आपके सामने हिंदी में है। इसने ये क्या शेयर लिखा हुआ है, कोहली को टैग करके उसके ऊपर रेड सर्कल देकर, वतन वालों वतन न बेच देना, ये धरती ये गगन न बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों का कफन न बेच देना, इतनी तकलीफ है विराट कोहली के पाकिस्तानी फैंस के साथ या पाकिस्तानी क्रिकेटर के साथ मिलकर गपशप करने की, ये हालात हैं हमारे पड़ोस में। और मैंने कुछ ट्वीट्स तो ऐसी भी पढ़ी हैं जिसमें विराट कोहली को टैग करके, उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को टैग करके ये कहा जा रहा था कि इस देशद्रोही को तो पाकिस्तान भेज दो, ये हालात हैं हमारे पड़ोस के। लेकिन फिर भारतीय सहाफी ने इन्हें क्या जवाब दिया, आइए आपको वो भी सुनाते हैं कि एग्रेशन असल में एक फास्ट बॉलर और क्रिकेट की पहचान है, ग्राउंड के बाहर आप एक दूसरे को जफियां बेशक डालो, लेकिन असल मैच जब सामने आता है तो फिर एग्रेशन दिखाना लाजमी हो जाता है। इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आपको दिखाते हैं सारे मामले पर भारतीय सहाफी क्या कह रहे हैं। विराट कोहली पाकिस्तानी प्लेयरों से इस तरीके से मिल रहे हैं जैसे कोई मेले में बिछड़ा हुआ भाई हो। लेकिन विराट कोहली रिजवान के साथ, बाबर के साथ, शादाब खान के साथ जिस तरीके से ठाके लगा रहे हैं, हम लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं भाई। पाकिस्तानी आवाम बड़ी खुश हो रहे हैं, सब कोई खुश हो रहा है। बस दिक्कत एक लोगों पे है, गोबर भक्तों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये बोल रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी प्लेयरों से जो है ना इस तरीके से मत मिलो, इनका बस चले तो ये बोल दे कि भाई पाकिस्तान को तो खेलना ही नहीं चाहिए, पाकिस्तानियों से हाथ भी ना मिलाओ, पाकिस्तानियों से कुछ ना करो। लेकिन यही लोग बैठ के मैच देखेंगे, कुरकुरे चिप्स दारू वारू सामने रख लेंगे और देखेंगे मैच देखेंगे, लेकिन जब स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात होती है, जब खिलाड़ियों से एक दूसरे को गले मिलते, ये एक्चुअली मैं बताऊं, ऐसे लोग ना मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये चाहते ही नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में संबंध ठीक हो, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमेशा नफरत एक दूसरे के लिए दिल में रखे, और ऐसे लोग जो है ना समाज के लिए, दुनिया के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, और इन गोबर भक्तों को जितना समझाया जाए उतना भी कम होगा, क्योंकि इनके भीतर कोई समझ में नहीं आने वाला है, कोई भी बातें नहीं समझ में आएगा।
अब कुछ लोग ये बोल रहे थे कि भाई विराट कोहली जो है हरी श्रॉफ ने गाली दे दी, अग्रेशन दिखाया ईशान किशन को, और विराट कोहली जो उसी से बात कर रहे हैं। अरे भाई, तो क्या विराट कोहली अग्रेशन नहीं दिखाते पाकिस्तान के अगेंस्ट? कोविड में बच्चे पैदा लिए हो क्या? विराट कोहली आज से नहीं खेल रहा पाकिस्तान के अगेंस्ट, बहुत पहले से खेल रहा है, और आज हर पाकिस्तानी दुआ कर रहा था कि विराट कोहली जल्दी आउट हो जाए। होता है किसी दिन को जल्दी भी आउट हो जाते, लेकिन बात उसकी नहीं है। बात इसलिए यह है कि आज इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं भक्तों के लिए जो है ना, आज विराट कोहली पाकिस्तानी हो गए। एक झटके में अगर पाकिस्तानी प्लेयर से आप हाथ मिला लो तो आप पाकिस्तानी हो जाते हैं। कई लोग तो विराट कोहली को वीजा देके जो बोल रहे हैं कि जा तू पाकिस्तान में चले जा, तुझे पाकिस्तानी प्लेयर इतना पसंद है। तो भाई, इतनी नफरत अपने ही प्लेयर के लिए सिर्फ इसलिए कि बाबर से उन्होंने हाथ मिला लिया, शादाब खान के साथ थोड़ी मस्ती कर ली, तो क्या करे? ड्रेसिंग रूम में जाके क्या फायरिंग शुरू करे वहां पे? गजब आदमी सब है यहाँ पे यार। मतलब क्या उसको समझा नहीं सकते इन लोगों को? भाई हमको तो खुद ही ये लोग पाकिस्तान भेजने को तैयार रहते हैं, अब विराट कोहली भी नाम आ गया। आखिर क्यों हारिस श्रॉफ की वजह से विराट कोहली को निशाने पर ले रहे इंडियन फैंस? वेल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब होता है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है प्यार का, एक होता है तकरार का, एक होता है कंपटीशन का, एक होता है मोहब्बत का, एक होता है जेंटलमैन गेम का, एक होता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर मची हाइप का। और उसी हाइप के बीच में, क्योंकि बहुत सारी मीठी मीठी तस्वीरें आ रही थी हक करते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए, दुलार करते हुए, लेकिन हारिस श्रॉफ ने जब ईशान किशन को आउट किया, उसका इशारा किया चल 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 निकल निकल, ऐसे कुछ इशारा था ऐसे ऐसे करके। सो वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गया, बहुत ज्यादा वायरल हो गया, और बिफोर एंड आफ्टर मैच की तुलना होने लगी, क्योंकि विराट कोहली गए थे हारिस श्रॉफ के पास उन्हें हक करने के लिए। बहुत उस तस्वीर को लेकर चर्चा हुई थी कि यार कितने प्यारे प्यारे लोग हैं, हारिस की पिटाई हुई थी, उसके बाद हारिस ने विराट की तारीफ की, विराट ने उनको हक किया। लेकिन इस मैच में जब ईशान किशन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और ईशान किशन की बॉल हवा में जाती है, बाबर आजम कैच पकड़ते हैं, आउट होता है, उसके बाद हारिस का जो एग्रेशन था, जो बिहेवियर था, जो एटीट्यूड था, चल 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 निकल निकल, ये वाला एटीट्यूड था, ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया। अब कुछ लोगों को इसमें सब नॉर्मल दिख रहा है कि यार फास्ट बॉलर है, एग्रेशन है, निकल गया, इंडिया पाकिस्तान वैसे भी हाइप होता है और जिस रेडियो था उस वक्त, तो कई लोगों को दिख रहा है कि यार विराट के साथ अब इतने स्वीट थे, नया लड़का मिला तो आप भी करने लगे। सो वो इंटेंसिटी जो है वो फिलहाल चर्चा केंद्र में रहने लगी। हालांकि चर्चा केंद्र में इस मैच में बहुत कुछ और था, लेकिन हारिस श्रॉफ की वजह से विराट को लोगों ने शाइन लिया कि देखो जिसे तुम गले मिल रहे थे वो ईशान के साथ। हालांकि इस मैच में और बहुत सारी तस्वीरें जो चर्चा केंद्र में आई है, एक तस्वीर और आई है शादाब खान की, शादाब खान की बहुत तारीफ हो रही है। शादाब खान ने जूते का लेस जो है हार्दिक पांड्या का जब बांधा तो वो लोगों के दिलों में घर कर गया। शादाब की वैसे भी बहुत सारी तस्वीरें हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी मैच के पहले भी, विराट कोहली के साथ जिस तरह से उन्होंने इंटरेक्ट किया था, विराट कोहली के साथ जो उनकी स्माइलिंग तस्वीरें थी, वो सारी तस्वीरें चर्चा के केंद्र में लगातार रही और उनको लोगों ने काफी पसंद किया, शादाब खान की काफी तारीफ हो रही थी। लेकिन उस तारीफ के बीच में शादाब खान जब मैच में रहते हैं, हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करते हैं, तो एक तस्वीर और निकल कर आती है जहां पर हार्दिक पांड्या के जूते का फीता जो है वो खुल जाता है और शादाब जाते हैं और उनके जूते के फीते को खुद बांध देते हैं। आमतौर पर होता क्या कि बल्लेबाज जो है वो पैड पहनता है तो उससे उसे झुकने में थोड़े इश्यूज होते हैं, तो साथी खिलाड़ी जो होते हैं वो अक्सर आकर हेल्प कर देते हैं। ये हेल्प एक बहुत ही अच्छा जेस्चर मनाता है, लेकिन कई बार इसे थोड़ा लोग प्राइड में या लड़ाई झगड़ों में थोड़ा देख लेते हैं। और इंडिया पाकिस्तान दो ऐसे देश जहां पर राइवलरी बहुत ज्यादा हो, वहां पर किसी खिलाड़ी की तरफ से ये वाला बिहेवियर आए, सो ये बहुत ज्यादा स्वीट हो जाता है।